हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने आप देख रहे हो XUV700 के दो वेरिएंट। अब दो वेरिएंट में बिल्कुल ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, क्योंकि ये जो है आपके सामने ये है बेस वेरिएंट, और ये इधर जो खड़ा है ये है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। और टॉप में भी बिल्कुल अगर बात करें ऑटोमेटिक, क्योंकि बंदा जब यार इतना पैसे वैसे खर्च करता है ना, तो वो ये सोचता है कि ऑटोमेटिक ही लूँगा, तो यहाँ पर हमारे पास ऑटोमेटिक ही है। सबसे पहली चीज़ जो कि मैटर करती है लोगों के लिए बेस और टॉप में, फीचर्स बाद में आते हैं, सबसे पहले आदमी कीमत पूछता है, जिससे फ़र्क पड़ता है भाई। डिसीजन मेकिंग तो उसी के अकॉर्डिंग होती है। तो भाई ये जो आपको पड़ रही है ये है 13,48,000 रुपये की, ठीक है। कोई भी कहेगा यार बड़ी गाड़ी है, अच्छी बात है, और मैं एक शोरूम की बात करूँगा सारी इसमें, ठीक है। और जब इधर आ जाते हैं हम, तो भाई ये है 22,66,000 रुपये की। अब आप डिफरेंस आप देख सकते हैं इसमें कि कितना मेजर डिफरेंस है। लेकिन खाली ऐसे ही डिफरेंस कर दिया या फिर अंदर भी ऐसा सामान दे दिए जो कि वर्थ करते हैं, आपको एक अलग फीलिंग देंगे इस गाड़ी में, तो वही चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले। सबसे पहले तो भाई बहुत हाथ थक रहा है मेरा, ये चीज़ देखो। अब ये आप ढेर जैसा देख रहे हो, दोनों चाबियाँ, मतलब ये दोनों गाड़ियों की दो दो चाबियाँ हैं, इकट्ठी हैं। इसमें आपको डिफरेंस नहीं लगेगा बिल्कुल भी। कौन सी 13 लाख की, मतलब 13.5 लाख की, कौन से 22,66,000 की है, बिल्कुल पता नहीं लगेगा। ये चीज़ है कि बेस वेरिएंट वालों को कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं भी नहीं जानता कौन सी, एक बार बजा के दिखाता हूँ। हाँ भाई, ये है, आवाज़ तो नहीं है खैर, लेकिन पता लग गया। ये है इस वेरिएंट की, फ्लिप की ही मिलेगी आपको। और एक बार मैं इसमें लगा दूँगा, इस तरह से फ्लिप की मिल रही है, क्योंकि हाथ बहुत भारी चाबियाँ हैं इसकी। इसको करते हैं इधर, और दूसरी ये वाली चाबी है इसकी, ये ठीक हो गया। इसमें हमारे जो इंडिकेटर हैं वो ब्लिंक नहीं होते, इसमें जस्ट जो हमारी DRL है वो जल जाती है, इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको रख देते हैं एक तरफ। आहा, मूव करने लगी अपने आप सीट। तो यही हैं कुछ खास चीज़ें जो कि इतना पैसा लेती हैं। तो अब आ जाते हैं फिर से हम सामने, अब बात करेंगे इसके फ्रंट प्रोफाइल की, ठीक है। सबसे बढ़िया चीज़ हो गई कि कलर भी सेम मिल गए हैं, तो जो डिफरेंसेस हैं वो अच्छे से पकड़ में आते हैं। कई बार कुछ कलर ऐसे होते हैं जो किसी गाड़ी को बड़ा सा शो करने लगते हैं, कुछ कलर में गाड़ी छोटी लगने लगती है, तो यहाँ पर सब कुछ सेट है, ठीक। सबसे पहले चीज़ ग्रिल बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं लग रहा। उसके अलावा आ जाते हैं हेडलैम्प पे, हेडलैम्प की शेप बिल्कुल सेम है। अंदर आपको जो बैरल दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पर भी रिफ्लेक्टर दिख रहा है अंदर, तो वो भी लगभग सेम जैसा ही लग रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है मेजर भाई, इसमें आपको अंदर यहाँ पर मिल रही है LED, ठीक, और इसमें यहाँ पर आपको मिल रहे हैं हैलोजन बल्ब। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, और यहाँ पर आपको ये दो क्रोम की लाइनिंग दिख रही है अंदर, ये खाली शो के लिए। लेकिन यहाँ पर जो ये लाइनिंग आपको दिख रही है, ये है अपने DRL, इसमें अंदर लाइट जलती है, सबसे बड़ा फ़र्क ये है। और उसके अलावा जो इंडिकेटर है वो हमारे ये DRL ही कन्वर्ट हो जाता है, और यही इंडिकेटर की तरह काम करने लगता है, जबकि यहाँ पर इंडिकेटर ये नीचे दे दिया है, इस तरह से हैलोजन बल्ब ही है वहाँ पर, ठीक। तो अब देखने में ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता, एक बार को एक नज़र अगर पड़े तो हमें एक जैसा ही लगेगा, ठीक। अब आ जाती है बात नीचे बम्पर में, बम्पर में आपको वहाँ पर खाली जगह दिख रही है, मतलब फॉग लैम्प नहीं है। इसमें आपको फॉग लैम्प मिल जाता है जो कि LED है, ठीक है। आगे स्किड प्लेट इसमें सिल्वर कलर की नहीं है, यहाँ पर सिल्वर कलर का पोर्शन आपको नीचे दिख रहा है। ये डिफरेंसेस आपको दिख रहे हैं, और क्या दिख रहा है, और कुछ ज़्यादा इसमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बाकी फ्रंट पोर्शन बिल्कुल एक जैसा सा ही है। बाकी यहाँ पर भी रडार इसके अंदर है, यहाँ पर खाली ब्लॉक दिया हुआ है, ये आप देखो इस जगह, ये आप देख रहे हो ये इस जगह, यहाँ पर खाली ब्लॉक है, इसके अंदर रडार नहीं है। इसके अंदर रडार है, अभी वो अंदर जाके दिखा देता हूँ। और यहाँ पर देख रहे हो ये इसके नीचे पॉइंट जैसा, और यहाँ पर ही पॉइंट, यहाँ पर आपको कैमरा मिल रहा है, ये देखो इस जगह कैमरा है, यहाँ पर कैमरा नहीं है, ठीक। तो ये डिफरेंसेस हैं, और कुछ ज़्यादा सामने से अगर फ्रंट अपील देखें हम, वो डिफरेंसेस नहीं है। 1894 mm की इसकी चौड़ाई है, दोनों की सेम है, प्रेजेंस बहुत बढ़िया है। इंडिकेटर ORVM में दोनों में ही मिल जाते हैं आपको। इसमें जो हमारे वो ब्लैक्ड आउट हैं, ग्लॉसी ब्लैक मिलेंगे, कोई सा भी कलर का वेरिएंट ले लो। इसमें आपको बॉडी कलर्ड मिलेंगे, यहाँ पर दोनों डार्क शेड हैं, इस वजह से ज़्यादा पता नहीं चल रहा, ठीक है। ये कहानी हो गई हमारी फ्रंट प्रोफाइल में, और कुछ तो है नहीं डिफरेंस। अब आ जाते हैं हम साइड प्रोफाइल में, यहाँ से आप देखो, यहाँ आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमको जो व्हील मिल रहे हैं ये है हमारे 17 इंच के, बिल्कुल खाली है, कुछ है नहीं रिम में, सिल्वर कलर के हैं, नॉर्मल व्हील है, इसके ऊपर भी व्हील कवर आपको ख़रीदने पड़ेंगे, ठीक है। अब जब यहाँ पर आ जाते हैं हम, तो भाई ये आ जाते हैं हमारे 18 इंच के, क्या बात है, मल्टी स्पोक स्टाइल ज़बरदस्त वाले अलॉय व्हील, बहुत डिफरेंस है पैसों में, करीब 60 से 70 हज़ार रुपये के तो ये 18 इंच के ही हैं, 50 हज़ार के तो 17 इंच में ही जो आते हैं MX में वही हैं, ठीक है। वहाँ 18 इंच का मिल रहा है, यहाँ 17 इंच का मिल रहा है, ये डिफरेंस हो गया। और उसके अलावा साइड प्रोफाइल पर देखते हैं, तो भाई हमारी जो यहाँ पर पट्टी है विंडो लाइन, ये आप देख रहे हैं, ये पट्टी यहाँ पर ब्लैक है, और वहाँ पर आपको
मेटल टाइप की, मतलब क्रोम, प्रॉपर क्रोम नहीं है वो हमको बिल्कुल ऐसे स्टेनलेस स्टील टाइप की मिलती है। और साइड प्रोफाइल में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ये देखो बिल्कुल सेम है और यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है। ये हो गई हमारी साइड प्रोफाइल। अब आ जाते हैं ज़रा हम रियर प्रोफाइल में। रियर वैसे यार आगे भी मैं ज़्यादा कर नहीं सकता क्योंकि ये रास्ता है, ठीक है, और पीछे उतनी ज़्यादा जगह नहीं मिलेगी, फिर भी जितनी मिलती है मैं दिखाता हूँ। बीच में आ जाता हूँ, ऐसा करता हूँ गाड़ियों के, वहाँ से दोनों साइड दिखता रहेगा हमको बढ़िया करके। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो भाई यहाँ वेरिएंट है ना, बाकी गाड़ियों में वेरिएंट यहाँ पर लिखा आता है। अब ये AX7 है, लग्जरी लाइन है, ये आपको दिख रहा है लग्जरी पैक, ठीक। यहाँ पर आपको इस जगह कुछ भी नहीं दिखेगा, वहाँ खाली है, सिर्फ ऊपर XUV700 मिलेगा, उसके नीचे कोई भी वेरिएंट नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलता है लिखा मिल गया। अब आ जाते हैं यहाँ विंडशील्ड पे, आपको डिफॉगर वाइपर मिल जा रहा है, उसके अलावा नीचे देखते हैं यहाँ पर कैमरा मिल रहा है आपको, और उसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा है। यहाँ पर स्किड प्लेट वही सिल्वर कलर की दिख रही है बस, ठीक। यहाँ पर देखते हैं तो भाई यहाँ पर कुछ नहीं है, ग्लास बिल्कुल खाली है, यहाँ पर देख रहे हैं वाइपर वगैरह नहीं है। बाकी ऊपर ये वाला पोर्शन जो है हमारा स्पॉइलर वाला, वो सेम है, यहाँ पर भी सेम है ना। और आ जाते हैं नीचे तो कैमरा नहीं है यहाँ पर, और उसके अलावा और क्या चीज़ें, हाँ यहाँ पर जो सिल्वर है उसमें ये देखो वो टच यहाँ पर नहीं है, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। अब जब लाइट जलती है तब आपको एक और चीज़ पता लगती है कि ये जो हमारी लाइट है ये यहाँ पर इंडिकेटर ऐसे फ्लोटिंग टाइप में जलते हैं, लंबे लंबे बिल्कुल सटासट इस तरह से बढ़िया से, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो सिर्फ इतना पार्ट जलता है, इतना पार्ट, यहाँ पर वो मैट्रिक्स साएं वो कुछ नहीं होगा, ठीक है, बस ये डिफरेंस है। बाकी सारी वर्किंग सब कुछ सेम है, यहाँ पर भी डिफ्यूज़ LED पट्टियाँ हैं, ये ऑलवेज ऑन मोड में रहेंगी, बाकी हेलोजन ही है इसमें भी वैसे ही है। ये आपको रियर प्रोफाइल में पता लग जाएगा, डिफरेंस यही है। ऊपर छत पे देखते हैं तो वहाँ पर आपको सादा एंटीना दिख रहा है इतनी डंडी सी, और यहाँ पर आपको दिख रहा है शार्पफिन एंटीना। ये हमारी कहानी हो गई बाहर के डिफरेंसेस की, ठीक है, साइड प्रोफाइल वगैरह। अब आ जाते हैं अंदर, तो ऐसे करता हूँ पहले मैं दिखाता हूँ आपको बेस, ये अपना बेस है। तो यहाँ पर जैसे हम डोर खोलते हैं तो सबसे पहले चीज़ हमको ट्रिम मिलती है कुछ इस तरीके से, ठीक है, चारों बटन वगैरह सब कुछ है यहाँ पर, कंट्रोल है, पावर विंडो वगैरह सब कुछ है, ORVM हमारे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल नहीं है, बाकी ट्रिम कुछ ऐसे मिल रही है, सॉफ्ट टच कहीं पर नहीं है यहाँ पर, ठीक। मैश दी हुई है यहाँ लेकिन अंदर ट्विटर वगैरह नहीं है, स्पीकर ज़रूर दिए हुए आपको। ये सीट मिल रही है फैब्रिक है यहाँ, ये आपको हाइट एडजस्टमेंट मिल रहा है, चलो सही है। अपहोस्ट्री जो है वो ब्लैक है, यहाँ पर डुअल टोन इंटीरियर है ग्रीज के साथ ब्लैक का, कहीं भी सॉफ्ट टच फील नहीं है, ठीक है। और स्टेयरिंग की बात करें तो भाई स्टेयरिंग कुछ इस तरीके का मिल रहा है, यहाँ पर कंट्रोल है, और एक बार चाबी ऑन करते हैं हम, तो ये देखो, ठीक है, इस तरह का आपको डिस्प्ले मिल जाता है यहाँ पर जो क्लस्टर है हमारा उसमें, बीच में ये आपको स्क्रीन मिल रही है सारी इन्फॉर्मेशन, और ये मिल गई हमको यहाँ पर एनालॉग, ठीक है ये, और यहाँ पर हमको स्क्रीन मिल रही है 8 इंच की है, इसमें एंड्रॉयड ऑटो चलता है, एप्पल कारप्ले नहीं है, और इस तरह का इंटीरियर है, मैनुअल AC है नीचे, यहाँ पर मैनुअल गेयरबॉक्स, और कुछ ये सेटअप आपको मिल रहा है यहाँ पर, मिल रहा है हमको ये कुछ स्पेस अंदर, ठीक है। मैं दिखा चुका हूँ मेन वीडियो में, लेकिन अब कंपैरिजन की बात है, यहाँ ये लाइट है मैनुअल ये IRVM है, सारी चीज़ें सेम हैं, और हाँ ठीक है, यहाँ मिरर है, पीछे लाइट हो गई। अब पीछे की बात करें, क्योंकि इसमें कम चीज़ें हैं तो इसीलिए इसको पहले दिखा रहा हूँ आपको, उसमें ज़्यादा है, उसमें बहुत टाइम लगेगा। अब ये देखो, ये कुछ हमारा इस तरह का ट्रिम, एक ही बटन है बस और कुछ नहीं, सॉफ्ट टच यहाँ भी कुछ नहीं है भाई, ये आपकी सीट है, बीच में हेडरेस्ट छोटा सा फिक्स्ड है, बाकी एडजस्टेबल हैं सारे के सारे, ठीक है। सनरूफ वगैरह कुछ नहीं है इसमें, वो डिमांड भी मत करना आप, बेस वेरिएंट में सीट अच्छी है, पीछे वेंट दिए हुए हैं इस तरीके से, और बाकी सब तो कहानी लगभग सेम ही है। ये पूरी की पूरी हमारी डाउन हो जाती है, और पीछे हमको कोई सीटें नहीं मिलती हैं, ठीक है, ये 5 सीटर ही स्टैंडर्ड आता है, ये देखो ठीक हो गया। ये है पूरी कहानी, बाकी डायमेंशन की बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि डायमेंशन सेम है ना हमारे, 4700 करीब लेंथ है, व्हील बेस देखे 2750 mm का व्हील बेस है, जो जो डिफरेंसेस हैं वही मैं हाईलाइट करूँगा। और डिफरेंस ऐसा नहीं है कि भाई इंजन में नहीं है, भाई पावर टेरेन में भी डिफरेंस है, इसमें आपको अलग इंजन मिलता है, इंजन सेम है, कहने का मतलब है जो उसकी पावर आती है वो अलग आती है, इसकी अलग है, वो इंटीरियर के बाद बताता हूँ आपको। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, क्या बात है, डोर खोलने में भी आपको डिफरेंस फील होगा इसमें ना, इसमें और इसमें, ये हार्ड हैं थोड़े और ये बहुत सॉफ्ट हैं, ठीक, क्योंकि इसमें मैकेनिज्म अलग है, ये अपने आप बाहर आ जाते हैं अनलॉक करने पर, इस टाइप का है। अब ये देखो आप,
ये आपको मिल रही है यहाँ पर सॉफ्ट टच है, ग्लॉसी बटन है, उसमें मैटे थे, ये भी सॉफ्ट टच मिल रहा है यहाँ पर, क्या बात है। यहाँ पर पावर बटन्स हैं, ये हमारी जो सीट है उसको एडजस्ट करने के साथ में मेमोरी फंक्शन भी है, पूरा ग्लॉसी, इसमें ग्लॉसी मिलेगा आपको टच, यहाँ पर ग्लॉसी है ही नहीं। ठीक, अब क्या बात है यार, यहाँ पर तो अंदर झांकते ही ऐसी फीलिंग आती है, बिल्कुल आलीशान वाली सीट आप देख रहे हैं, अपहोल्स्ट्री देख रहे हैं, बिल्कुल शानदार, टॉप ऑफ द लाइन, पूरा ग्रेज है यहाँ पर जो हमारा कलर है इंटीरियर में। स्टेयरिंग देखते हैं, वो भी लेदर रैप्ड है, और ये हमारा कुछ क्लस्टर है, एक बार दबाते हैं बटन, इसमें मिल रहा है आपको बटन, क्या बात है क्या बात है। ये देखो फुल्ली डिजिटल हमारा क्लस्टर मिल रहा है, उसके साथ साथ स्टेयरिंग कुछ ऐसा बताई दिया मैंने, यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, उसके साथ हिल होल्ड कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पर देखते हैं बीच का क्लस्टर कुछ इस तरीके का है, बहुत ही प्रीमियम लग रहा है पूरा, ये पूरा जितना आपको दिख रहा है ना ग्रीज कलर, ये पूरा हमारा मिलता है सॉफ्ट टच, ये हार्ड प्लास्टिक है ऊपर, यहाँ पर देखते हैं ग्लॉसी है, और यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल बटन उसी की तरह लगता है देखने में। ये गियर नॉब है, जैसा मैंने बताया बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलता है, और ऑटो होल्ड मतलब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक मिलती है, वो लीवर नहीं मिल रहा, और ये आपकी पावर ब्रेक वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, मोड्स दिए हुए हैं अलग अलग, यहाँ से आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको सेलेक्ट करना है, ये आप देख रहे हैं। ठीक, ये आपको मिल रहा है आर्मरेस्ट, ये स्पेस है अंदर, और ये अच्छा प्रीमियम क्वालिटी में, पीछे आपके वेंट, इसमें भी अभी पीछे आके दिखाता हूँ, ये सॉफ्ट है यहाँ पर। ठीक होगी कहानी, ये आपको तमाम स्पीकर स्पीकर की ग्रिल दिख रही है, इसमें 12 स्पीकर का सेटअप है इसमें भाई, और क्या चाहिए सोनी का। ठीक, यहाँ लाइट मिल रही है आपको, ये आपकी फोकस वाली है एलईडी में, ये सनग्लास होल्डर है इस तरीके, ये मिल रही है पूरी बड़ी सनरूफ 2-2.5 लाख रुपए की, तो यही है ये समझो आप। एयरबैग की बात करें तो भाई इसमें 7 एयरबैग मिल रहे हैं आपको, उसमें 2 ही हैं। ठीक हो गई बात, इस तरीके से पूरा का पूरा आपको लेआउट मिल जाता है, जो भी आप अगर मान लो ऑन रोड या करीब 26 लाख 25-26 लाख की बैठती है, तो उसमें बैठेंगे अगर तो ऐसा फील होगा, और उसमें आपको वैसा फील हुआ था देखने में, क्रूज कंट्रोल वगैरह इसमें सब मिल जाता है। और इसके अलावा जो एडवांस्ड फीचर हैं वो हैं इसमें अडास मिल रहा है आपको, मतलब एडवांस ड्राइविंग असिस्टिव सिस्टम जो होता है हमारा, वो ऑटोमेटिकली गाड़ी अपने आप लेन पकड़े रहेगी, कहीं भी इधर उधर होती है, नींद आती है, झपका मारती है, तो अपने आप सेट कर लेगी, खुद ही ब्रेक ले लेगी, इस तरह के फीचर हैं ये हैं। रेन सेंसिंग वाइपर हैं, मतलब ऑटो वाइपर, ऑटो हेडलैम्प, वो सब कुछ मिल रहा है इसमें। ये सीट अपने आप अपनी जगह पे आ जाती है जो आपने मेमोरी सेट कर रखी हो। एक बार इसको करते हैं हम अनलॉक, ये देखो ये खुल गया यहाँ पर, इसको यहाँ से अनलॉक करा, इसीलिए डिफरेंस है थोड़ा खोलने में इनको। अब ये हमको मिल रहा है यहाँ पर इस तरीके से, पूरा का पूरा बढ़िया देखने में, पूरा ग्लॉसी है, और यहाँ पर सीट 60-40 वाली है, मतलब पीछे ये 7 सीटर में ही आती है, इसमें 5 सीटर वाला ऑप्शन नहीं है, या आप देख रहे हो पीछे जाने के लिए इसको इस तरह से टंबल कर देंगे। बाकी हेडरेस्ट इसमें भी फिक्स्ड है यहाँ पर, लेकिन आर्मरेस्ट मिल जा रहा है, लाइटें अलग से भी दी हुई हैं ऐसे इधर और यहाँ पर भी, ये आपको कुछ इस तरीके से मिल रही है। प्रीमियमनेस अल्ट्रा लेवल पे मिलेगी इसमें आपको, देख रहे हो आप पूरी पूरी इस तरीके से, पीछे तक पीछे सब वूफर वगैरह भी, वहाँ पर भी स्पीकर वगैरह तमाम मिल रहे हैं। अब बात करते हैं जरा इसके इंजन की, क्योंकि अभी आपको मैंने एक्सटीरियर दिखा दिया क्या डिफरेंसेस हैं, इंटीरियर में दिखा दिया क्या डिफरेंसेस हैं, इंजन ही बचा है वही देखो। तो इसमें जो इंजन मिल रहा है, इसमें जो इंजन मिल रहा है सेम है हमारा 2200 cc का, जो डिफरेंस है वो है पावर का। अब पावर का क्या डिफरेंस है, ये हमारी है बेस मॉडल, ये हमारी टॉप मॉडल, इसमें जो आपको इंजन मिलता है 2200 cc के अंदर प्रोड्यूस करता है 153 bhp की पावर, ठीक है, और टॉर्क की बात करें 360 Nm का टॉर्क दे देता है। वहीं इससे ऊपर कोई सा भी वेरिएंट ले लो, उसमें आपको हायर पावर के साथ ही मिलेंगे, और इसमें भी वही इंजन मिलता है हायर पावर के साथ, तो इसमें आपको सेम इंजन प्रोड्यूस कर रहा है 182 bhp की पावर, और साथ में टॉर्क की बात करें तो करीब 420 Nm का टॉर्क, तो पावर में आप डिफरेंस दे रहे हो। लेकिन इसमें ये फ़ायदा होगा, इसमें आपको जो माइलेज है वो ज़्यादा मिलेगा, इसमें माइलेज कंपैरेटिवली कम मिलेगा थोड़ा सा, लेकिन भाई जिस तरह के माइलेज हैं इतने बड़े इंजन के, इतनी बड़ी गाड़ियों के, तो पार्शली 1 से 1.5 का कोई ज़्यादा मैटर भी नहीं करता, जब भाई लाखों की गाड़ियों की बात हो रही होती है। तो ये कुल मिला के गाड़ियाँ, एक बार रेट दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, ये था 13,48,000 रुपये एक्स शोरूम, ये था हमारा 22,66,000 रुपये, ऑटोमेटिक है, मैनुअल है, और भाई बाकी सारी चीज़ें आपने डिफरेंसेस देख लिए। ये उनके लिए हैं जो भाई ये चाहते हैं कि चलो यार हमें बाहर से बड़ी गाड़ी का फील मिले, बैठ के बड़ी गाड़ी का फील मिले, लग्जरी थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, कोई बात नहीं, पैसे भी तो कमी लगा रहे हैं। जबकि यहाँ पर आदमी आता है वही लेता है इसे जो भाई अपना स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए, लग्जरी हर एक चीज़ में फील होनी चाहिए, चाहे हम वाइपर चलाएं, लाइट जलाएं, अंदर सीट पर बैठें, हर एक चीज़ स्टेयरिंग को टच करें, साउंड सुने,
कुछ भी देखें उसमें हमको एक लग्जूरियस फील होना चाहिए। यहाँ पर वो पार्टी बैठेगी और भाई पैसे खर्च करेगी। एक्स शोरूम 22,66,000 रुपये। तो ये था इस वीडियो में कंपैरिजन, बहुत लाइट नोट पे कराया, कोई ज़्यादा ऐसा भारी भरकम और हाई फाई नहीं करना चाह रहा था। जो आपको डिफरेंसेस आप इसमें खड़े होकर देखते हैं गेट खोल के, इसमें देखते हैं वो आपको बता दिए। इंजन में जो हमें दिखते नहीं डिफरेंसेस वो मैंने आपको बता दिए। वीडियो कैसा लगा बताना जरूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों का सब्सक्राइब कर लेना, हमेशा की तरह संस्कारी समित चैनल को। जय हिंद।